गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल समानी ब्लॉग्स। तो गाइस आज तो बारिश सुबह से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और अभी फ़िलहाल तो थोड़ा देर बाद काम मतलब वही थोड़ा बहुत काम है घर का, वही जाना पड़ेगा बाजार। तो बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, कल रात भर बारिश हुआ तो पानी तो पूरा जमी गया होगा। अभी मौसम बहुत प्यारा हुआ है, कहाँ चढ़ गया है आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल अभी जाके शायद देखता हूँ टाइम लैप्स लेके आता हूँ, कंफर्म नहीं है टाइम लैप्स लेने जाऊँगा कि नहीं, फिलहाल देखते हैं जो भी करना है आज का दिन। फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ बाजार, सामान वगैरह लाना है थोड़ा बहुत, और कुछ प्रिंट आउट्स वगैरह भी करा लिए हुए हैं, मार्क शीट्स वगैरह, और एक दो फाइल वगैरह भी लेना है, तो काम है तो चलते। फाइनली बाजार जाके और स्कूटी को डुबा के आ चुका हूँ। ये लाइट को फाइल दिया था, इसके अंदर प्रिंट आउट वगैरह कराया सब कुछ, और इन मोटर में आज काफ़ी ज़्यादा बारिश के चक्कर में पानी में स्कूटी डुबा गया था अपना, तो उस समय तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, पानी इतना ज़्यादा था, रिकॉर्ड करते हैं चलाता चलाते घर चलते। आप पति को देख सकते हैं, मतलब क्या बोले इसको, अब मम्मी गई है छत पर ऐसे बैठा, ऐसे कौन बैठता है, ऐसे क्यों बैठे हो भाई। फिलहाल अभी ऐसे कुछ ऐसा, अभी हम जा रहे हैं टफी का खाना लाने के लिए। कितना टाइम हो गया, 3:11 के आसपास हो गया, चलते हैं, शायद खाना मिलने का चांसेस है, अभी तो जाके देखना पड़ेगा मिलता है कि नहीं। फाइनली कुछ का लेके आ गया, अब फिलहाल तो जाएंगे घर, अपने में वहीं पर खा लिया था, फिलहाल तो चलते हैं। गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा, अभी थोड़ा देर पहले मतलब जस्ट अभी नहा के निकला और मिल्क शेक ऑर्डर किया था, और क्या ऑर्डर किया था, बटर नान वगैरह ऑर्डर किया था खाने के लिए आज, तो ये रे टोफी जो मांगी हो मांगी। फिलहाल तो आज तो डिनर में वही है। एक्चुअली क्या हो गया था ना, शाम को 6:30 के आसपास मैं सो गया था, उसके बाद फिर 7:30 से ट्यूशन था, तो वो ऑनलाइन था वो किया, उसके बाद फिर ऑर्डर वगैरह किया, फिर जाके नहा धो के आया, अभी 9:30 के आसपास हो गया, मतलब बीच में टीवी वगैरह भी देखने लग गया था, नहीं 10:10 बाकी है, तो फिलहाल तो उसको खाते हैं, भूख भी लग गया थोड़ा बहुत, नहाने का भूख लग गया था थोड़ा बहुत, और तो क्या ही है, बस आज का दिन भी अपना ऐसे ही चला गया। और आज अपने घर में बुआ भी आई हुई है, मतलब अभी थोड़ा देर पहले जब मैं ट्यूशन पढ़ रहा था तभी आई थी दादी के साथ, तो वहाँ चलते पहले तो उस रूम में बैठी है ना, मैं सुनमा टफी के साथ था तो अभी टफी हॉल में घूम रहा होगा, लाल तो जाते हैं खा के जाते हैं। गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, होप्स आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया गया, बहुत आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें नीचे, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।
बेटा फिर भी सो रहा है अपना मस्त। बुआ आ जाएंगे तो बुआ तो दादी के रूम में सोएगी, मैं से दादी के रूम में सोता हूँ, फर्स्ट हॉल पे सोना पड़ेगा, मुकू यहीं सो रहा है। परेशान करेंगे नहीं। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, होप सो आपको ब्लॉग पसंद आया। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।